नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेप्रोडोम 500 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, नेप्रोडोम 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और नेप्रोडोम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि नेप्रोडोम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नेप्रोडोम एक ब्रांड नेम है। नेप्रोडोम टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। नेप्रोडोम टैबलेट के अंदर सॉल्ट पोजिशन नेप्रोक्सेन 500 mg और डोमपेरिडोन 10 mg होता है। नेप्रोडोम टैबलेट का उपयोग सिरदर्द होने पर किया जाता है। इसके अलावा माइग्रेन की वजह से सिरदर्द होने पर भी नेप्रोडोम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। माइग्रेन होने पर बहुत तेज सिरदर्द होता है। माइग्रेन का सिरदर्द ज्यादातर सिर के एक हिस्से में होता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द पूरे सिर में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में माइग्रेन का दर्द होने पर सिरदर्द होने के साथ साथ उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि लक्षण भी हो सकते हैं। नेप्रोडोम टैबलेट सिरदर्द को ठीक करने के साथ साथ उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को भी ठीक करने व रोकने में मदद करती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में नेप्रोडोम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में नेप्रोडोम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी होना, पेट दर्द होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूख कम होना, दस्त होना और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में नेप्रोडोम टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक नेप्रोडोम टैबलेट का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेप्रोडोम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। नेप्रोडोम टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर नेप्रोडोम टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल सिरदर्द होने पर ही नेप्रोडोम टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। नेप्रोडोम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको नेप्रोडोम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेप्रोडोम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर नेप्रोडोम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना नेप्रोडोम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। नेप्रोडोम टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेप्रोडोम टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। नेप्रोडोम टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नेप्रोडोम टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। वैसे नेप्रोडोम टैबलेट माँ के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं। स्तनपान करा रही महिलाओं को दूध पीने वाले बच्चे में नेप्रोडोम टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को नोटिस करते रहना चाहिए। यदि किसी बच्चे को कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो स्तनपान करा रही महिलाओं को तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका नेप्रोडोम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।